विद इन 3 मिनट्स मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में कौन सा जॉब रोल एंड करियर आपके लिए बना हुआ है। शायद आप इसे बिलीव नहीं करोगे, लेकिन विद इन नेक्स्ट 3 मिनट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में अगर आप आ गए हो और आपको नहीं पता कि आपको पेन टेस्टिंग में जाना चाहिए, ब्लू टीम में जाना चाहिए, रेड टीम में जाना चाहिए, फॉरेंसिक में जाएं, एनालिस्ट की पोजीशन के लिए अप्लाई करें, कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पर करियर बनाना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन हैं तो विद इन 3 मिनट्स आपके पास इसका आंसर होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत छोटा सा और सिंपल सा क्विज बताने वाला हूँ, जिसमें विद इन 3 मिनट्स आप ये डिसाइड कर पाओगे कि साइबर सिक्योरिटी में जो करियर है वो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है, वो भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। सो मेरा नाम है रवल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर एंड सिक्योरिटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ट्राईहैकमी का एक बहुत ही अमेजिंग क्विज है, जहाँ पे आप 3 मिनट के अंदर ये पता लगा सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी में आपके इंटरेस्ट और आपके स्किल के हिसाब से कौन सा सही करियर पाथ और कौन सा सही जॉब रोल हो सकता है। तो इस क्विज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। जब आप इस लिंक को ओपन करोगे तो बहुत सिंपल सा आपको एक पेज यहाँ पे नजर आएगा, आपको स्टार्ट क्विज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपके पास 10 क्वेश्चन दिखेंगे MCQ और ये आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंटरेस्ट यू द मोस्ट। तो जब साइबर सिक्योरिटी को आप पढ़ते हो, आपने साइबर सिक्योरिटी में किसी एक डोमेन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा है, तो वहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में सबसे अच्छी चीज़ या सबसे एक्साइटिंग चीज़ आपको क्या लगती है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग सिक्योर सिस्टम, नेटवर्क को सिक्योर करना और जो अलग सिस्टम है उनको सिक्योर करना, या फिर उन्हें वल्नरेबिलिटीज ढूंढना, या फिर आपको अच्छा लगता है कि जो नेटवर्क में पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको एनालाइज करना, उसको कैप्चर करना, या फिर जितनी भी नई वल्नरेबिलिटीज़ आ रही हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको ढूंढना और पैच करना, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कुछ भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं किसी दूसरे की, आपके हिसाब से आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका स्किल क्या है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर देने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अच्छा लगता है मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग सिक्योरिटी इवेंट्स, या फिर किसी को अच्छा लग सकता है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग सिक्योर सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज़ एंड एक्सप्लॉइटिंग देम, क्योंकि मैं पेन टेस्टर हूँ तो मैं यहाँ पे इस क्लिप को चूज़ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू से इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। तो आपके सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, या फिर है एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट टूल्स, अलग अलग टूल्स के संग काम करना आपको अच्छा लगता है, या फिर डेटा को एनालाइज करना, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ना, उनको इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग ऑन योर फीट। तो मुझे अच्छा लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग ऑन योर फीट। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट सूट्स यू बेस्ट। तो आपको अकेले काम करना पसंद है, या फिर आपको टीम के साथ काम करना पसंद है, या फिर आप टीम और अकेले दोनों के ही साथ काम कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो यहाँ पे देता हूँ, कोलैबोरेटिंग विद अ टीम टू डिज़ाइन इंप्लीमेंट सिक्योरिटी। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल चैलेंजेस और सेटबैक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन क्वेश्चन जब आप आंसर दोगे तो एट द एंड आपको पता चलेगा कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा जॉब रोल बिल्कुल सही रहेगा साइबर सिक्योरिटी में। तो मैं यहाँ पे आपको पूरे 10 क्वेश्चंस के आंसर देके बताता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू अप्रोच लर्निंग एंड स्टेइंग अपडेटेड इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, लर्निंग फ्रॉम रियल वर्ल्ड इंसिडेंट एंड अप्लाइंग लेसन लर्न। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है वो है कि इंगेजिंग इन प्रैक्टिकल एक्सरसाइजिंग एंड सिमुलेशन टू ऑन स्किल्स। अब जैसे आप ये पूरे 10 क्वेश्चन के आंसर दोगे तो यहाँ पर आपको एक करियर पाथ और जॉब रोल आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर यू वुड मेक अ ग्रेट पेनिट्रेशन टेस्टर। अब आपको इस रोल के बारे में और ज़्यादा आपको जानना है तो यहाँ पर आप लर्न मोर पर क्लिक करोगे, और इसके अलावा अपने रिजल्ट को भी यहाँ पर शेयर कर सकते हो। लर्न मोर पर आपको क्लिक करना है और इस पर्टिकुलर जॉब रोल और करियर पाथ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने की मिल जाएगी। यहाँ पे लर्निंग गाइड भी आपके पास मिलती है, आप कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से आपके पास स्किल्स होने चाहिए, कौन कौन से स्किल्स को आप यहाँ पे ब्रश अप कर सकते हो, फिर सीख सकते हो, फिर डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पेनिट्रेशन टेस्टर के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने की मिल जाती है। अब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ ज़्यादा था, इसलिए मैंने उन्हीं आंसर्स को सिलेक्ट करा जो मुझे लगता था मेरे स्किल्स के हिसाब से, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से सही है। इसी तरीके से आपके हिसाब से भी आपको जो ऑप्शन सही लगता है, आपको जिसका इंटरेस्ट है, क्वेश्चन पढ़ के आपको जो लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे सही लगता है, ये चीज़ मेरे हिसाब से है, तो वहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, अपने हिसाब से क्विज देना है। देन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बताएगा कि आपके लिए साइबर सिक्योरिटी में कौन सा करियर पाथ सही होगा। तो बहुत ईजी है, विद इन 3 मिनट्स में आपको आप ये सॉल्व कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको साइबर सिक्योरिटी में कौन से करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, कौन से जॉब रोल के लिए आपको जाना चाहिए। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आ गई हो, थोड़ी सी भी हेल्प अगर आपकी करे तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। इसी तरीके से अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।